पर एक काम करो ये दो पॉपुलैरिटी चाहने में सबने कमरे में रखी नहीं जाओ घर में रहो इसी घर में होली खेलो इस बारे में कोई बहसबाजी नहीं सीरियल काव्या में जहां एक तरफ काव्या ने घर में आकर होली मनाने की है बात जिससे होते हैं सभी घर वाले बेहद नाराज और इस बात को लेकर घर में मच जाता है हंगामा आज दोनों मिनट सोचिए अगर होली साथ में मनाने से नंबर एक पे गया तो पर एक काम कर रही हूँ तुम्हारा पॉपुलैरिटी चार्ट है जाकर अपने रूम में बताओ। वहीं आदि के पिताजी काव्या को ऐसा करने के लिए देते हैं परमिशन जिसे देखकर आदि हो जाता है शॉक। कहीं नहीं जाओगे घर में ही रहो इसी घर में होली खेलोगे इस बारे में कोई बहसबाजी नहीं जिसके बाद आदि के पिताजी उसे ले जाकर समझाते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है जब मैं एंट्री किया तो मेरे कान में एक शब्द गूंजा जिसमें आप बोल रहे थे कि लोग पूछेंगे आपसे सवाल तो वो क्या था पहले ये बताएं ये मतलब अभी काव्या अपनी जगह बनाने की कोशिश करी है घर में वापस तो अभी जब उसकी बात कोई मानता नहीं है तो वो सीधा ब्लैकमेल करने लग जाती है कि वो क्योंकि जितना वो जानती है सुन रहे जितना वो जानती है प्रधान को कि वो ऐसे है कि उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें सिर्फ अपनी इमेज से फ़र्क पड़ता है तो अगर कभी मीडिया में उनके बारे में कुछ गलत हो गया तो फिर उनका कुछ नहीं हो पाएगा तो इसलिए वो आदिराज को फ़र्क नहीं पड़ता है सबसे उसे राजनीति से फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन उसके डैड को सबसे बहुत फ़र्क पड़ता है उस आदिराज को अभी राजनीति समझ नहीं आ रही है बस आ गए हैं समझ आ गई है वो थोड़ा एथिक्स रखना चाहता लेकिन एथिक्स नॉट एबल टू कीप राजनीति में एथिक्स पता नहीं देख एथिक्स की बात मत करा नो नो इलेक्शंस आ रहे हैं चुप हां बट आप भी शॉक्ड हो गए थे पापा के डिसीजन से हां बिकॉज यूजिंग लाइक योर ब्रदर्स डेथ इन पॉलिटिक्स थोड़ा आदि को थोड़ा वियर्ड लगा वो लेकिन जो भी आई थिंक वो उसके बाप के कहने से सहमत हो गया एंड आई थिंक वो अभी जो थोड़ा शायद ब्रेन वॉश हो रहा है आदि एंड तो अभी आई थिंक जस्टिस लाने के लिए वो कुछ भी करेगा अभी काव्या को जेल के पीछे देखना ही चाहता है वो अच्छा लग रहा है आप लोगों को आप दोनों का जो सीन अभी चल रहा है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं वी आर एंजॉयिंग दिस अ लॉट स्पेशली सुम्बुल सुम्बुल तो जो मजे ले रही है उससे हर एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आदिराज की बैंड बजाने का एंड ऑनेस्टली मुझे ही मजा आ रहा है व्हेन शी इज डूइंग दिस मुझे इतना अच्छा लग रहा है देख के सो या आई होप ऑडियंस को भी अच्छा लगे मजा आ रहा है मतलब आई मीन आप डायलॉग बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है शक्ल भी दिख रहा है जब मुझे ऐसे करती है ये तूने क्या किया मुझे सीन में पता नहीं अचानक से हो गया अपने आप वो सीन में नहीं था लिखा नहीं था ऐसे इम्प्रोवाइज किया और मैं ऐसे अरे मैं इसको फोन दिखा रही हूँ ये मेरी शक्ल देख रहा तुम्हारा घुमा दिया तूने ऐसे किया हाँ अच्छा तो सी मुझे बहुत मजा आ रहा है और जब ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें मुझे रोना नहीं होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मेरा दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करता है तो हर शॉट में कुछ ना कुछ अलग होता है सामने वाला रो हाँ मुझे रुला रही है ये फिल्म में होली की तैयारी हो रही है कितना मजा आने वाला है आई थिंक होली की तैयारी अभी हो गई आई थिंक एक दो दिनों में हमारे सेट पे आई थिंक बहुत ही मजेदार होली होगी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है ये एंड आई थिंक वील बी आई होप देखने में बड़ा मजा आएगा आप लोग को लेकिन हमें शूट करने में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है होली सी होली मुझे भी बहुत पसंद है हर इंसान को अच्छी लगती है होली किसको पसंद नहीं है पर मुझे बस वही लगता है मुझे मैं टैनिंग की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाती हूँ ठीक है हाँ बस और बाकी शूट तो करना ही है तो अभी मैं क्या ही बोलूँ आई एम श्योर बहुत सारी होली सेट पर हुई होगी बट ये वाली जो होली होगी वो कितना खास होगा पता नहीं अभी कैसे पता होली खेलने तो हमारी जो शो की होगी
आई थिंक ये आदिराज और काव्या की पहली होली होगी शादी के बाद, एंड इट्स मे बी और साथ होके भी वो साथ नहीं है. ये कोई शो का नाम है ना, साथ होके भी साथ नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Okay. अच्छा हेडलाइन दिया, साथ होके भी साथ ना होना, रंगों के साथ. ऐसा थंबनेल के ऊपर ही लिखा होगा. हाँ. क्या बोल रहा है. वेल, यहाँ बातों ही बातों में जब टेली टॉक ने आदि यानी टीवी स्टार मिष्कट वर्मा से किया सवाल उनके शो के ऑफ एयर जाने के बारे में, तब क्या कुछ कहना था मिष्कट का, आप भी सुनिए. यू नो, हमने कुछ दिन पहले सुमुल से बात किया था, बहुत सारे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं शो को लेकर के. सुमुल ने हालांकि मना ही किया है, बट आप क्या कहना चाहेंगे पहले भी करें. रबिश है कौन ये. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो जस्ट पीस आउट एवरीवन. एंड मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो आई थिंक वी आर डूइंग प्रीटी डीसेंट. सो या, बट आप रिएक्ट कैसे करते हो, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा. मतलब हम हंसते हैं. अरे आपने तो मुझे भेजा था ना ये, और फिर डिलीट कर दिया. मैं तो आई वांट रिएक्शन, बट आई थॉट कि मिलके ही बात करूंगा. नहीं, ऐसा आई डोंट गेट अफेक्टेड बाय दीस थिंग्स, एंड देयर इज नथिंग दैट हैपनिंग सीरियसली. कुछ प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर की तरफ से कुछ बात आप लोगों को बोला? नहीं, उससे बात नहीं हुई है, लेकिन आई नो ऐसा कुछ नहीं है फॉर अ फैक्ट. तो जो भी देख रहे हैं आपके, जो आप दोनों के जो फैंस हैं, उनके लिए स्पेशल पे मैसेज, हालांकि सुमुल ने ऑलरेडी दिया हुआ है. क्या मैसेज दिया तूने? मैंने बोला कि ये सब क्या क्या पढ़ते रहते हो, मत बड़ा करो. एग्जैक्टली. आई नो, आई थिंक ऐसा कुछ, जस्ट एंजॉय द शो, डोंट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट कि किसका क्या रेटिंग है, इसका क्या क्या, दैट्स नॉट योर कंसर्न, जस्ट एंजॉय द शो बस. लास्टली, अभी तो ट्रैफिक फुल ऑन हो गई है, तो वापस नहीं, ट्रैफिक अभी खाली हुई है. बहुत अभी बहुत हो रहा है. अरे अभी तो होगा. आइडियली बताओ क्यों ना, जब हम आते हैं सुबह ट्रैफिक नहीं होता, जब जाते हैं वापस ट्रैफिक नहीं होता, अभी ट्रैफिक होता है. रोड बंद है ना, तो ऐसे शाम के बीच का जो वक्त है वो ट्रैफिक होता है. गूगल मैप बोलेगा कि आपको यहाँ से घर पहुँचने लगेगा ढाई घंटा, ढाई तीन घंटा, फिर हम निकल लेते हैं. लिटरली वो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग था, लोगों ने बहुत वो के जो आप लोग पैदल गए, क्या दिन था यार, यू कुडंट बिलीव इट कि ये क्या हो गया, दुनिया खत्म हो गई है. दो घंटे से हम एक ही स्पॉट में थे, देन लकली सुमुल की गाड़ी मेरे पीछे थी, तो आई कॉल्ड, हम लोग उतर गए, ब्रिज से उतरे गए, थोड़ा डिटोल लिया, वॉशरूम और फिर चले गए. इसने मुझे बोला कि तू गाड़ी से उतर, साथ में चलते हैं वॉक करके. मैंने बोला ओके. तो ऐसा ना, यहाँ पे ब्रिज था, मेरी गाड़ी ब्रिज पे चढ़ गया, इसकी गाड़ी इधर थी, मैं गाड़ी से उतर के ऐसा ब्रिज के नीचे से गई. मुझे उसकी गाड़ी पता है ऑफ कोर्स, उसकी गाड़ी ऊपर चली गई. मैं ऐसे देख रही हूँ, बोला भाड़ में जा, मैं अकेले चल गई. फिर ये आ गया पीछे. मिला, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा.